अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 का इंट्रोडक्शन और उसकी जो बेसिक फॉर्मूला हम यूज करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सपोज हमें एक लाइन सेगमेंट दी गया है, ये हमें कोई भी एक्स वाई जी लाइन सेगमेंट दिया हुआ है। इसका एक पॉइंट है ए, दूसरा पॉइंट है इसका बी, ठीक है जी। और इसके बीच में कोई एक ऐसा पॉइंट है जिसने इसको इक्वल ब्रेक करा हुआ है, ठीक है, इक्वली ब्रेक करा हुआ है M1 का रेशो M2 में, ठीक है, M1 इंटू M2 रेशो में ब्रेक करा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल हम A को कह रहे हैं कि इसका जो X1 Y1 है, B के जो ऑर्डर पेयर है वो है X2 Y2, और जो मिड पॉइंट है, ये बेसिकली एक मिड पॉइंट है जो है आर, फॉर एग्जाम्पल आर, और इसके कोऑर्डिनेट्स या ऑर्डिनेट पेयर है X, Y, और वो हमें क्वेश्चन में दे कि आप आर फाइंड करें जो उसका मिड पॉइंट है, वो पॉइंट जिसने लाइन सेगमेंट AB को M1:M2 में ब्रेक करा, तो आप वो निकालिए। तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा आर X, Y M1 X2 प्लस M2 X1 अपॉन M1 प्लस M2, ठीक है, कॉमा M1 Y2 प्लस M2 Y1 अपॉन M1 प्लस M2, ठीक है जी। ये फॉर्मूला बनेगा और इस फॉर्मूले को हम कहते हैं रेशो थ्योरम। तो ये फॉर्मूला हम यूज करने जाएंगे इस एक्सरसाइज में। इसको हम मिड पॉइंट थ्योरम भी कहते हैं या मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 1 से, बेसिक्स बनाते हैं अपनी। इसमें हमें क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स व्हिच डिवाइड द जॉइन ऑफ A-3,7 एंड B-2,6 इन द रेशियोज 2:5, ठीक है। पहले हम पहला पार्ट करते हैं, सिर्फ पहला पार्ट देखते हैं, दूसरे पार्ट को भी समझे नहीं है। तो आप सॉल्व कैसे करेंगे, आप लिखेंगे लेट आर X, Y डिवाइड द लाइन सेगमेंट, ठीक है, सेगमेंट लिखा है AB, लाइन सेगमेंट AB इन द रेशो M1:M2 जो कि बराबर है 2:5, ठीक है। अब नीचे लिख देंगे यूजिंग रेशो थ्योरम और आर X, Y बराबर है, फॉर्मूला लिख देंगे M1 X2 प्लस M2 X1 अपॉन M1 प्लस M2, कॉमा M1 Y2 प्लस M2 Y1 अपॉन M1 प्लस M2। ये हमारा फॉर्मूला है, इसमें अब बस हमने वैल्यूज पुट करनी है और हमारा आंसर आ जाएगा। M1 है हमारे पास 2 मल्टीप्लाई हुआ, हमारे जो वैल्यू है वो भी है माशाल्लाह से 2 प्लस 5, M2 हमारे पास रेशियो में 5 था, और -3 अपॉन 2 प्लस 5, 2 6 प्लस 5 × 7 अपॉन 2 प्लस 5, ठीक है जी। आर X, Y जो हमारा आएगा सबको मिलाऊ के वो आएगा -11/7 और 47/7, ये रहा हमारा आंसर।
उम्मीद है कि इस क्वेश्चन का जो दूसरा वाला है रेशो 3, -2 वो आप लोग खुद कर पाएंगे। मिड पॉइंट थ्योरम या रेशो थ्योरम की मजीद प्रैक्टिस के लिए मैं आपको प्रेफर करता हूं कि आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 खुद करें पूरा। मूव करते हैं हम आगे क्वेश्चन 3 की तरफ। क्वेश्चन 3 में दिया हुआ है, अच्छा जी, क्वेश्चन 3 में दिया हुआ है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स व्हिच डिवाइड द जॉइन ऑफ ए -1, 7 बी 1, 2 इंटरनली एंड एक्सटर्नली इन द रेशो 2, 1। अच्छा, अब ये इंटरनली और एक्सटर्नली क्या है, ज्यादा कुछ इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, बस जो हमने अभी रेशो थ्योरम या मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ा है उसमें बस छोटा सा फर्क है। आइए देखते हैं, कंसीडर करें कि एक लाइन दी हुई है, स्ट्रेट लाइन, मिड पॉइंट, पॉइंट ए, पॉइंट बी, रेशो क्या दिया हुआ है m1:2:1। ठीक है जी, हमें चाहिए r x कॉमा वाई। ए है हमारे पास -1, 7, बी है हमारे पास 1, 2। इंटरनली और एक्सटर्नली में क्या है, ये होता है जैसे कि एक आपने ग्राफ बनाया हुआ और आपने देखना है कि जो ये लाइन सेगमेंट ज्वाइन हो रही है और जो मिड पॉइंट है ये इसको ब्रेक कहाँ कर रहा है, इंटरनली मतलब कि ये अंदर ही होगा, एक्सटर्नली होगा कि जो हमारे पास लाइन है लाइन से बाहर कहीं वो मिड पॉइंट है। इंटरनली मतलब ये जो हमारे पास लाइन है इसके अंदर किसी एक पॉइंट को मिड पॉइंट कह रहे हैं, ये इंटरनली हो गया। एक्सटर्नली है कि जैसे यहाँ पे आए, ठीक है, यहाँ पे जो पॉइंट आए मिड पॉइंट ब्रेक कर रहा है, तो ये हमारा आएगा एक्सटर्नली क्योंकि लाइन का ये हिस्सा है लेकिन गिविन का नहीं है, गिविन से आगे का है। ठीक है, आगे स्टार्ट करते हैं। लेट आर एक्स कॉमा वाई डिवाइड, वो बार वही इंग्लिश, डिवाइड ए बी इंटरनली, पहले इंटरनली था तो लिख देते हैं इंटरनली इन द रेशो, लिख दीजिएगा इन द रेशो m1:m2 जो कि है 2:1। यूजिंग रेशो थ्योरम शॉर्ट फॉर्म RT, आप लोगों के लिए लिखता हूं पेपर में, प्लीज ऐसा नहीं लिखिएगा। फॉर्मूला है, फॉर्मूला मैं डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर रहा हूं, 2:1 + 1:-1 m1x2 + m2x1 अपॉन m1 + x2 जो कि हो जाएगा 2 + 1 जो कि होता है 3, जो कि इनका x वाली साइड, अब कर लेंगे y वाली, m1y2 + m2y1 अपॉन m1 + m2। गंदगी हो गई है, कोई बात नहीं। rx y बराबर हुआ हमारा 1/3, -1, ये हो गया हमारा इंटरनली। इंटरनली में साइन सेम रहेगा, ठीक है, क्योंकि अंदर ही अंदर आएगा। अब एक्सटर्नली में क्या होगा कि मैंने आपको बताया कि फॉर एग्जांपल ये पॉइंट है और ऑब्वियसली बात है कि मिड पॉइंट हमारा जो लाइन सेगमेंट है उससे बाहर निकल रहा है, तो अब इतना सा फर्क आएगा कि जो प्लस साइन थे ये हो जाएंगे माइनस। फॉर्मूला क्या बन जाएगा लिख देता हूं, यहां पे लिख देता हूं, फॉर्मूला बन जाएगा हमारा m1x2 - m2x1 / m1 - m2, पूरा चेंज हो जाएगा, सिर्फ साइन का फर्क है, जिस तरह x में उसी तरह y में है, m1y1 - m2y1 / m1 - m2। ठीक है जी, और सिर्फ ये साइन चेंज करने से पूरे आंसर में बिल्कुल फर्क आ जाता है। ये था एक्सटर्नल, इंटरनली साइन चेंज करा तो मिल गया एक्सटर्नली।
एक्सटर्नली का जो आंसर आएगा वो हो जाएगा, सॉल्व कर देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है, नहीं ये हो जाएगा वन, ये हो जाएगा टू 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 माइनस वन इंटू माइनस सेवन ऑन वन। अच्छा अब इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर ऑब्वियसली बात है साइन चेंज हुआ तो पूरा आंसर ही चेंज हो जाएगा। इसका जो आंसर आया वो आया 3,11। आई होप आप लोगों को इंटरनली और एक्सटर्नली का फर्क समझ आ गया होगा। इसका आंसर जो आया है वो आया है